रहीम दास जी यूं ही नहीं कहकर चले गए कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, वो पानी गए न उभरे मोती मानो शून। जरा सोचिए आजकल की गर्मी, और ऐसे में आपको कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़े, खाना बनाने के लिए, पीने के लिए, तो कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सवाल तो उठेगा ना कि सरकारें कर क्या रही हैं, आखिर गांव की व्यवस्था चल कैसे रही है। 2 किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर ग्रामीण, 10 साल पहले बनी पानी की टंकी से नहीं हो पा रही जलापूर्ति। रायबरेली जनपद के लालगंज तहसील क्षेत्र में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार की ओर से नल जल योजना शुरू की गई, लेकिन गर्मी का मौसम शुरू होते ही ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के लिए हाहाकार मच गया। हिंदी और हिंदुस्तान की टीम जब गांव पहुंची, जहां गांव की समस्या से तो लोगों ने, ग्रामीणों ने हमें अवगत कराया कि खारे पानी का दंश झेल रहा है गांव। ग्रामीणों को पीने के लिए मीठे पानी की एक एक बूंद 2 से 3 किलोमीटर दूर से लानी पड़ती है, और ऐसा करना उनकी मजबूरी है। ऐसा भी नहीं है कि उनके गांव में पाइपलाइन नहीं है, लेकिन वहां पानी टंकी से जलापूर्ति ही नहीं होती। दर्जनों बार उन्होंने जिम्मेदारों से गुहार लगाई, लेकिन नतीजा शून्य निकला। मामला लालगंज तहसील क्षेत्र की गौरी मजरे उतरा गौरी गांव का है। नूर मोहम्मद बताते हैं कि पूरे गौरी गांव में 30 घर हैं। पेयजल के लिए 3 इंडिया मार्कर नल भी लगे हैं, जिनमें से 1 नल लगभग 1 साल से खराब पड़ा है, और शेष 2 इंडिया मार्क नलों से खारा पानी आता है, जिसका प्रयोग सिर्फ बर्तन व कपड़े साफ करने में ही हो सकता है। ग्रामीणों को पेयजल के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूर रिसाली का पुरवा गांव में लगे इंडिया मार्क नल से मीठा पानी लाना पड़ता है। लगभग 10 साल पहले पूरे धुनू गांव में पानी टंकी बनी तो ग्रामीणों में उम्मीद जगी थी कि उन्हें अब शुद्ध पेयजल मिल सकेगा, लेकिन उनकी यह आस पूरी नहीं हो सकी। गांव में पाइपलाइन तो बिछी, लेकिन गांव तक पानी नहीं पहुंच सका। पीएम लेके क्या आ रहे हैं? पानी तो इंडिया मार्केट है क्या? इंडिया मार्केट है, सप्लाई पानी आता है? आता है, लेकिन हम लोग को कहाँ मिलता है? कितनी दूर से पानी लाना पड़ता है? ये देखो यहाँ गाँव बांधी है, इंडिया मार्केट नहीं चलते क्या? चलता है, सब चल रहे हैं गांव में, जितने सब नहीं चल रहे हैं, बस यही एक प्रधान किया जाता है, वही चलता है। प्रधान से शिकायत नहीं की? अरे प्रधान से शिकायत, प्रधान कोई माने का आदमी है नहीं। वही हिंदी और हिंदुस्तान की टीम से बात करते हुए गौरी गांव के रिफाकत हुसैन, अहमद हुसैन, शरीफ, राजकुमार, शिवराज आदि ने बताया कि पेयजल के लिए ग्रामीणों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे राणा गांव में भी यही समस्या है। यहां भी आधे से अधिक गांव में पानी टंकी से जलापूर्ति नहीं हो पा रही। पाइपलाइन बिछी होने के बाद भी पानी ना मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है, जिसके बाद हमारी टीम पूरे राणा गांव पहुंची, जहां की रहने वाली अनीता कहती हैं कि इंडिया मार्क नल खराब होने पर चंदा लगाकर ठीक कराना पड़ता है। वहीं शिवनाथ कहते हैं कि साइकिल से प्रतिदिन पानी भरकर लाते हैं, तब जाकर घर में खाना बनता है। हाँ भैया, क्या नाम है? मोहम्मद मुस्तफा। क्या समस्या है गांव में? पानी की समस्या है, दूसरे गांव से पानी आवत है, और सब छोटे छोटे बच्चे परेशान हैं, और गर्मी का टाइम आ रहा है, और हैंड पाइप चल नहीं रहे हैं, और खारी पानी है, और पानी की हमको चाहिए मांग। कितने दूर से लाओ पानी? अरे करीब 2 किलोमीटर के रेंज में है, 2 किलोमीटर की रेंज से पानी मतलब साइकिलों से आता है। अच्छा, इसका सुबह रहे थे, कैसे प्रबंध कैसे करो? तो पूरा दिन पानी लागत है, तो कैसे आपके व्यवस्था होती है? अब मजबूरी है, कोई है नहीं ना, यहाँ तो बच्चे हैं, छोटे छोटे आदमी, मर्द लोग काम करने जाते हैं, औरतें जाती हैं पानी लाने वहाँ से। इन लोगों ने बताया कि पूर्व में सरकारों व जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण दर्जनों बार गुहार लगा चुके हैं,
लेकिन किसी भी नेता व प्रशासनिक अधिकारी ने ग्रामीणों की इस समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सरकार की ओर से हर योजना पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन इन योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में सही लाभ आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। हिंदी और हिंदुस्तान के लिए राय बरेली से शशिकांत त्रिवेदी की रिपोर्ट। शिकायत भी करो तो कहते हैं बिगड़ जाता, तो कहते हैं क्या हम जिम्मेदार हैं, क्या हम ठेकेदार हैं जो बार बार तोड़ते रहो, बार बार हम बनवाते रहे, यही कहते हैं। तो इसीलिए हर घर से 20 रुपया इकट्ठा होता है तो हम लोग जो है नल में पानी पाते हैं, मजबूरी है। कितनी दूर इस पानी लाना पड़ रहा है? पानी तो आप यहाँ का नल का बिगड़ जाता है, गांव के किनारे नल है, बीच गांव से पास हम लोग हैं वहाँ से लाते हैं, और या उतरा वहाँ जाते हैं से पानी आता है, रिसाली के पुरवा से पानी आता है जब नल बिगड़ते हैं। इतना हम लोग ये सब प्रचार कितनी बार कर चुके, कोई सुनवाई हमारे लोगों की नहीं होती।